सोमवती अमावस्या। आज की तिथि क्यों पड़ी जानते हो? हमारे यहाँ आज के इस दिन को ना बहुत पावन मानते हैं। तुलसी की परिक्रमा लगाकर 108 माताएं और आज पूजन करती। आज का ये व्रत सुहाग के लिए होता है, स्त्रियां करती हैं। आज के सोमवती अमावस्या के व्रत की एक छोटी सी कथा और वो कथा है कि एक लड़की थी, उसे किसी ने कहा था कि तेरा विवाह होगा तो तू विधवा हो जाएगी, विवाह होते ही तू विधवा हो जाएगी, तेरे भाग्य में वैधव्य योग लिखा है। इस डर से बेचारी वो लड़की विवाह ही नहीं करती थी। तो उस लड़की ने किसी संत से पूछा, दिव्य संत से, कि बताओ महाराज मैं विवाह करूं तो मैं विधवा हो जाऊंगी, इसका कोई उपाय नहीं है? बोले तेरे गांव में एक धोबी की पत्नी रहती है, फलाने घाट में वो धोबी की पत्नी है, यदि वो तुझे अपना सुहाग दे दे तो तेरा सुहाग जी जाएगा। सुहाग देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है सुहाग? अच्छे का सिंदूर देने की एक रस्म होती है, ये परंपरा कि एक पति प्रता नारी, एक सुहागन स्त्री अपने माथे का सिंदूर निकालती है और सामने वाले सुहागन नारी के माथे पर लगा देती है। ये एक प्रकार का आशीर्वाद होता है, जिससे वहां पर सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसलिए सुहागन स्त्रियां, इसलिए पति पत्नी दोनों को भोजन में बुलाओ, पति पत्नी दोनों को खिलाओ, क्योंकि जो पति पत्नी सुहागन स्त्री होती है वो साक्षात उसकी स्त्री लक्ष्मी और पुरुष को नारायण के रूप में देखा जाता है। जब घर में नई बहू आती है ना, तो हमारे यहाँ आज भी ये परंपराएं हैं, हमारी माँ ये परंपरा फॉलो करती भी है। अभी भी हमारे यहाँ जब विवाह इत्यादि होता है तो गांव की 11 सुहागन स्त्रियों को बुलाते हैं, 11, 21, 51, 101 जो जिसकी क्षमता है, और सभी सुहागन नारियों को बुलाकर उन्हें सिंगार का सामान देकर, उनके पांव में माहौर लगाकर, उन्हें उनके सभी मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें मीठा भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? मीठा प्रसाद, मीठा विशेष होता है उसमें, तो मीठा खिला करके बढ़िया उन्हें दान दक्षिणा दे करके और सुहागन स्त्रियों का आशीर्वाद लेने से, सुहागन नारियों का आशीर्वाद लेने से, सुहाग लेने से सुहाग बढ़ता है, अर्थात सुहाग की आयु लंबी होती है। तो वो एक लड़की थी, उसके वैधव्य योग था, तो किसी ने, संत ने बताया कि जो तुम्हारे गांव में जो धोबी की पत्नी है वो बहुत अच्छी नारी है, पति और जैसे ही विवाह किया उसकी भावर पड़ी, विवाह की रस्म पूरी हुई कि उसके वैधव्य योग था, उसका पति वही मर गया, और जैसे ही मरा तो फिर वो धोबी की पत्नी को बुलाया गया और उसने अपना सुहाग जब दिया तो उसका पति जीवित हो गया। जब जीवित हुआ तो उसका पति तो जीवित हो गया, पर दुर्भाग्य से उसका पति धोबी की मृत्यु हो गई। इसका तो जीवित हो गया पर उसका खुद का पति सिधार गया। अब वो लगी रोने, अब क्या करें? तो स्वर को आए, तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन जब ये अमावस्या आए तो इस अमावस्या में तुम स्नान करके तीर्थों में, और फिर इस अमावस्या को तुलसी की पूजा करना। तुलसी माँ सुहागन है और उन्हें सिंगार चढ़ाना,
माँ भगवती की पूजन करना, तुलसी की पूजा करना, तुम्हारा सुहाग जीवित होगा। वो लगभग सोमवती अमावस्या की ही ये घटना रही, तो उस दिन उन्होंने गया था। तब से ये सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए